नमस्कार मित्रों, नर्मदा स्टोन शिवलिंग से मैं शुभम कर्मा आज के इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे साथ है महाराष्ट्र कोल्हापुर से आए हुए कुछ सर लोग। ये नर्मदेश्वर शिवलिंग लेने के लिए बकावा पधारे थे, तो ये पूछते नर्मदा स्टोन शिवलिंग यानी कि हमारे फर्मों पर पधारे हैं। इन्होंने ये शिवलिंग खरीदा है, आप देख सकते हैं मेरे सामने ये 21 इंच का शिवलिंग है और 4 फीट का नर्मदा पत्थर से बना हुआ जलाधारी है। ये शिवलिंग भी नर्मदेश्वर है और ये जलाधारी भी नर्मदा जी के पत्थर से बना हुआ है। ये 4 फीट का जलाधारी, 21 इंच का शिवलिंग है। आप देख सकते हैं इस शिवलिंग पर पूरा त्रिपुंड का आकृति बना हुआ है। ये देख सकते हैं ग्रीन कलर का नर्मदेश्वर शिवलिंग है जिस पर तिलक बना हुआ है और माथे पर चंद्रमा और चंद्रमा बिंदु बना हुआ है। ये शिवलिंग आप देख सकते हैं पूरा नर्मदेश्वर शिवलिंग एक ही पत्थर में बना हुआ है। जलाधारी भी आप देख सकते हैं नर्मदा जी का पत्थर का है, शिवलिंग भी नर्मदेश्वर पत्थर का, दोनों का कलर सेम है। तो आइए हम जानते हैं कि ये सर लोग जो कोल्हापुर से आए हैं, बकावा किस तरह पधारे और नर्मदा स्टोन शिवलिंग से शिवलिंग परचेस करके इनका अनुभव क्या रहा। तो हम कोल्हापुर पेटोड़गाव से आए, कोल्हापुर हमारा जिला है आणि पेटोड़गाव ने आम्ही आले, मराठी बोलतो तर पेटोड़गाव ने आम्ही आलेलो आहे। पेटोड़गाव मध्ये आमचे वीरशैव लिंगायत तेरी समाजाचं जे हमारा मंदिर है वो हम बना रहे हैं, वो महादेव जी का मंदिर है उधर वड़गाव हाथकलने रास्ते पर। तो अभी वो मंदिर बन रहा है, हमारे लिए वो महादेव जी का इधर पे महादेव का पिंड और नंदी चाहिए। तो हमें YouTube पर ऐसा इंफॉर्मेशन मिला कि इधर पे बकाव में वो बहुत ज़्यादा इधर पे अच्छा तरीके से हमको मिल जाएगा। तो हम कोल्हापुर से हम किधर बकाव, हाँ महेश्वर आए, महेश्वर से इधर बकाव में आए हैं। अभी हमारे जो हमारा समाज है उधर वड़गाँव में, वो समाज के सब हमारे सब सदस्य है। ये मंदिर समिति के अध्यक्ष है, अभी कॉरपोरेटर है, नगर सेवक है संतोष गाताडे जी, हमारे ये प्रतिष्ठित जी समाज बांधव है नामदेव झगड़े जी, और ये समाज के अध्यक्ष है उमेश जी माड़कर, और ये खजिनदार है ये है जगदीश विभूते, और ये हमारे समाज मंडल के माजी अध्यक्ष है, अभी अगर हमारे समिति का उपाध्यक्ष है रमेश जी शिंपनेकर अन्ना बोलते उसको। तो ये सब हम इधर आए हुए हैं और हमने ये शिवलिंग आप सबने देख लिया है और सबके मन को भा गया है, अच्छा लगा है। और भाई जी ने भी अभी ये बात कही कि इसके शिवलिंग के जो प्रशंसा की है उसके बारे में उन्होंने बताया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर आए हुए हैं, वो ताराजिन जी कर्मा इनके यहाँ पर आए हैं हम, और हमने ये शिवलिंग अभी हमको अच्छा लगा है। और जल्दी ही हमारे पेट वड़गाँव में ये प्रतिष्ठापना के लिए आ जाएगा।